लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है ये लॉकेट मुझे, अच्छी तरह से याद है। इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था उन्होंने। उन्होंने? हाँ, उन्होंने, उन तीनों ने। तीनों ने? उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह, वो क्या लड़कियां थी, आसमान पर उड़ते पंछी की तरह आजाद, तितलियों की तरह खूबसूरत, जंगली हिरनों की तरह शोख और चंचल। परखा का साइकिल पर सवार होकर अपने आशिक से मिलने जाना, लगता है साइकिल का तुम्हारे बसाने में एक खास मकाम है। जब देखो तब मकाम मकाम करती रहती है। अगर मेरे रोमांस में तेरा मकाम बीच में आ गया ना, तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। इस नाचीज को एक अदद आशिक दे दिया और एक हम है कि सुलग रहे, कोई पूछता ही नहीं। अरे पूछेगा ही नहीं, गश खा के गिर जाएगा। एक बार सामने पा जाने दो उसे हमारे। अरे अरे, मेरी साइकिल की चेन उतार गई। रुको, अरे परखा रुको ना। अरे मैं नहीं रुक सकती, मुझे देर हो रही है, तुम लोग आ जाओ। देखो ना, मेरी साइकिल की चेन उतार गई। देखो ऊपर से चेन भी उतार दी। अरे देखो ना, मैंने कोई ना गिराई है। मैडम, अगर आपकी साइकिल पर प्रॉपर लैंडिंग फैसिलिटी होती ना, तो आज मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में होता। आप बिगड़ रही हैं, बिगड़ना तो मुझे चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा चांस मिस हो गया। अरे तुम्हें अपनी चांस की पड़ी है, मेरी जान चली जाती तो? वाह, आपको अपनी जान की पड़ी है और आपने जो मेरी जान ले ली है उसका कुछ नहीं। अरे तुम्हारी जान को क्या हुआ है, हट्टे कट्टे तो हो। उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अजी मोहतरमा, आधी जिंदगी आपकी आरजू में कट गई और आधी आपके इंतजार में कटी जा रही है। वादा करके आती ही नहीं हो? आई तो हूँ। अगर आई हो तो कुछ प्यार की बातें करो, झगड़ा क्यों कर रही हो? सुनिए, झगड़ा तुम करते हो या मैं? पॉइंट नंबर वन, यू हैव नो बिजनेस टू बिहेव लाइक दिस। तुम्हें चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम दोनों यहाँ आओ और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी। ओह हाँ सुनील, हमेशा चाल देते हो, आज तो हम ग्लाइडिंग सीखेंगे। अरे कबाब में हड्डी एक नहीं दो दो। क्या 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 बोला? नहीं नहीं, मैंने कहा हुक्म, चलिए सिखा देते आज। चलो आइए। आशिक मिल गया, अब सुलगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे देखना क्या शहजादा लगता है, नवाब लगता है। बस सिर्फ शेरवानी में एक फूल की कमी है। कनीज हाजिर है। अरे ये तो तेरी बिरादरी का है। अगर आपको है हिम्मत तो जाकर अपनी शायरी उसे सुनाइए। तो चैलेंज 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 तो अभी उसे शीशे में उतार कर आती हूँ। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा। जरूर देखा होगा, मैं आमतौर पे आता जाता रहता हूँ। यहाँ नहीं, बाहर कहीं। शक्ल तो आपकी भी जानी मानी लग रही है कुछ। है ना, वो नुक्कर पे पान की दुकान है, वो आपकी है ना? मैं पान खाता हूँ लेकिन वो पान की दुकान मेरी नहीं है। अच्छा वो समझ आया, वो लेडीज टेलर। आप कपड़े बहुत अच्छे सीते हैं। मोहतरमा आपको गलत फहमी हो रही है। वो आप शेर, आप शायर है ना? हाँ मैं एक आध बार शेर तो कह लेता हूँ। अकरम इलाहाबादी है मेरा नाम। मुझे भी शायरी का बहुत शौक है, फिर तो हमारी अच्छी मिलेगी। आप मुझ पर एक शेर कहिए ना।
अभी नहीं, मुझे जरा जल्दी है, मैंने जाना है, फिर कभी सही। सुनिए, आप ये लड़कियों के कॉलेज में क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, मिसेस बेग, उनसे मुझे कुछ काम है। फिर तो आपका काम हो गया, बड़ी खड़ूस औरत है। जी? वो मेरी वालदा है। जी? अच्छी है, अच्छी। मैडम, आपने कभी आज तक पोलो मैच देखा है? एक बार नहीं, कई बार। ये राजा और बादशाहों का खेल है। गर्ल्स, खेल के दौरान में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, क्योंकि प्रिंस ने खास तौर से हम लोगों को वहाँ इनवाइट किया है। हमने रिक्वेस्ट किया था तब उन्होंने परमिशन दी, और जो इतना शरीफ हो उसके साथ शराफत से पेश आना, खास तौर से आप लोग, याद रखना। यस मैम। तुम्हें क्या लगता है प्रिंस कैसा लगता होगा, तुम बताओ? मेरे ख्याल में उसके सर पे ताज, पगल में तलवार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेवर में लखपत, बड़ी बड़ी मूछों वाला सफेद घोड़े पर सवार होगा। हाँ। आज का ये मुकाबला प्रिंस अर्जुन सिंह और रघुवीर सिंह के बीच होने जा रहा है। इस बार से लगातार प्रिंस अर्जुन सिंह ही पीछे आ रहे हैं। इस बार ये देखना है कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। अब ये मैच शुरू होने जा रहा है और ये पहला चक्कर शुरू हो गया। आज के दिन 40,000 के करीब लोग यहाँ शामिल हैं और प्रिंस अर्जुन सिंह लगातार खेल को अपने काबू में रखते हुए गोल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिंस के घोड़े की रफ्तार और उनके हाथों के इशारे से ऐसा लग रहा है कि गोल होने ही वाला है। रघुवीर सिंह बहुत तेजी से प्रिंस अर्जुन सिंह की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि रघुवीर सिंह खेल को अपने काबू में रख पाएंगे कि नहीं। अब प्रिंस ने गेंद को बहुत खूबसूरती से गोल पोस्ट की ओर मारा। रघुवीर सिंह मैच चल रहा है, निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। आसमान आज का इस खेल के लिए बहुत ही अच्छा है। इस मैच के जीतने वाले को 3,00,000 रुपए का ट्रॉफी। अम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हम क्या करें, जा पानी पियो। सबरी से इंतजार करते हैं और ये फिर से प्रिंस ने गेंद को रघुवीर सिंह से छीन कर अपने काबू में कर लिया है। इस मैच को देखने के लिए मियां, तुम यहाँ खेल देखने आए हो कि हवाखोरी करने? मैं समझा था कि तुमने मुझे बुलाया है। आपको खुशफहमी हुई है? तो मैं क्या जाऊँ फिर? नवल शर्मा जी, जो हमने कहा उस पर गौर मत कीजिए, जो हमने नहीं कहा उस पर गौर फरमाइए। Thank you. मैं तो एकदम पागल हो रही हूँ। अरे भैया हटो, हाँ, और मेरे साथ उसकी एक फोटो भी लेना। एक्सक्यूज मी। हाँ प्रिंस, ये मेरी फ्रेंड है राज। हाय। हेलो। लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं बरखा हूँ, राज की सहेली। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बोला। कह रही थी कि प्रिंस इतना हैंडसम है, इतना स्ट्रांग है, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बोलो। आप बहुत अच्छा पोलो खेलते हैं। थैंक यू। आप पोलो क्यों खेलते हैं? मैं पोलो क्यों खेलता हूँ? मैं पोलो इसलिए खेलता हूँ कि हाँ, मेरे पास घोड़ा है। ऑटोग्राफ।
एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। क्या बात है? मैं ऑटोग्राफ दूँ कहाँ? ओह, पेपर, यहाँ, यहाँ। अरे, मारा गया गरीब। कौन? वही, जिसके हाथ में इनका हाथ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाथ की लकीरें कह रही हैं। राज के दिल पर जो राज करेगा वो कोई गरीब नहीं, राजकुमार होगा। आपका पेन। थैंक यू। मैं हैव अ फोटोग्राफ प्लीज, आप दोनों का। श्योर। वहाँ, दैट्स बेटर। आइए। थैंक यू। आइए ना। जरा पास आना। आना। ओके। ओके। स्माइल प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आपका घोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। क्या मैं इसे चला सकती हूँ? देखिए मैं तो मान जाऊंगा लेकिन शादी नहीं मानेगा। मुझे राइडिंग आती है। ओके, अगर आप जिद करती हैं तो आपके रिस्क पर, जाइए। थैंक यू वेरी मच। राज, चलिए राज। अरे आई हूँ मैं। राज गिर जाएगी, पागल हो गई है। राज, हेलो राज। राज, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? ओह हाइनेस, आई एम सो सॉरी। आई होप ये लड़की आपको परेशान नहीं कर रही है। जी बिल्कुल नहीं। इट वाज अ प्लेजर। दे आर वेरी वेल ब्रॉट अप गर्ल्स। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स, चलो बाय। बाय। हमारे पास कंप्लेंट आई है कि तुम लोग बाहर लड़कों से मिला करती हो। नो मैडम, लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग कार चलाना जानती हैं? यस मैडम। जी, आप लोग क्या ऐसी कार में सवार होना पसंद करेंगी जिसमें ब्रेक ना हो? जवानी भी ऐसी ही कार है जिसमें ब्रेक नहीं होता। अब सोचिए ऐसे में एक्सीडेंट होना कितना आसान है। लेकिन मैडम आज तक हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। आज गलत नहीं किया लेकिन कल तो गलत हो सकता है, और हमें आपके आज और कल दोनों की फिक्र है। राज। यस मैम। आपके डैडी आए हैं। डैडी? हाँ, वो आप तीनों को क्रिसमस वेकेशन के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। आप जा सकती हैं लेकिन हमारी वो ब्रेक वाली बात मत भूलिए, क्योंकि खता एक पल की होती है लेकिन उसकी सजा सालों साल तक भुगतनी पड़ती है। जी, यस मैम। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। मैम। आदाब। जीती रहो। पता नहीं किस उल्की पट्टी ने हमारी कंप्लेंट। अरे वो सारी लड़कियां हमसे जलती हैं। हाँ। जलन का भी मोहब्बत में एक खास मकाम है। शट अप। बेटे। बरका बेटे। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारे डैडी को एमएलए का टिकट मिलने वाला है। बेटे सलमा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बेटे, चलो कार इंतजार कर रही है। चलो चलो। भगवान करे इसमें से कोई शानदार रॉयल पर्सनालिटी उतरे। ऐसे थोड़ी ना जा सकती है, बिल्कुल भूतनी लग रही है तू। तो क्या? अरे अभी तो तुझे सजाएंगे, तुझे प्रिंसेस बनाकर भेजेंगे। आइए आप अपने घर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपके घर से बहुत कीमती चीज ले जाने आया हूँ। अरे भाई तशरीफ तो रखिए पहले। जा बहारों की मलका, आज तेरा शहजादा पर कटे पंछी की तरह तेरे कदमों में गिर पड़ेगा। मैं कैसी लग रही हूँ? हाय मल्लिका शहजादा,
सीन होने वाला है। अरे तेरा भी सीन जवाब दियो यार। आपसे जो घोड़ा मैंने लिया था वो रेस जीत गया है भाई। ऐसा है कि आप जब भी हमसे सौदा करेंगे यकीनन फायदे में रहेंगे। मैं इंसानों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ लेकिन घोड़ों को नहीं। मैं घोड़ों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ इंसानों को नहीं। वैसे मैं आपके यहाँ एक अरबी घोड़ी है उसी सिलसिले में बात करने आया था। पापा? अरे आओ बेटे आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रिंस मेरी बेटी से मिली है। हाय। नमस्ते। मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ पोलो के मैदान में। तब ये पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। तो आप मिल चुके हैं पहले। बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बातें कीजिए मैं भी हाजिर हुआ। हेलो। एक बोसा देना। बोसा? क्यों लेके स्टूपिड? आज मैं थक सा गया हूँ कुछ। अरे जंगली मैं सलमा बोल रही हूँ। बोलो। तेरे बिन दिल उदास है मुझे तेरे जलवों की प्यास है। वाह। सो तो है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मुझसे? हाँ है। तो फिर बोलो ना तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ मैं प्यार करता हूँ। सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ? मैं भी करता हूँ। तेरी माँ बीच में कैसे आ गई? वो तो शुरू से है भाई। ये कौन पूछ रहा है हमारे बारे में? माँ वो इकबाल। ओ इकबाल। हाँ भाई। इकबाल क्या? वो इकबाल। अच्छा क्यों बेटा इकबाल? आपकी अम्मी जान आपसे प्यार नहीं करती क्या? लो उसने तो फोन ही बंद कर दिया। वो अम्मी वो ऐसा है कि उसकी उसकी माँ सौतेली है। अच्छा बेचारा बेचारा।